हो सकता है ये हो, या हो सकता है वो हो, या हो सकता है गुनगुन का बाप हो। हम तो नहीं आए। एफ आई आर करिए आपके खिलाफ, क्या आपने गुनगुन को गायब करा? किस बारे में? हमारे कोई सबूत है? हमने कुछ किया? ये सबूत एफ आई आर सबूत से थोड़ी थे, अभी उन्होंने लिखवा दिया। कौन है? हाँ नमस्कार। आओ जी आओ सर जी आओ। कैसे आना हुआ? अब क्या हो गया जी? एक नया केस खुला है। नया केस? हमने तो कुछ नहीं करवाया अभी। 24 घंटे से अधिक हो गया है, गुनगुन गायब है। तो भाई तो ये चीज उनसे पूछो ना। हम क्या करें? उनकी बीवी, उनके उनके बच्चे, वो जाने। नहीं आप मैं आपसे पूछताछ करने आऊँ, अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो आप मुझे बता सर। यही बात अभी उसके घर वाले हमसे आके पूछ के गए। हमने मना किया, जब हमने कुछ करा ही नहीं है तो हमें क्यों फंसा रहे हो बीच में? फंसाने वसाने की तो हमने कुछ बात ही नहीं करी, मैं तो सिर्फ आपसे पूछने आऊँ। आप तो यही चीज तो हमने उनको भी बताई थी कि भाई तुम जानो, हमसे कोई पूछने नहीं आया कि कोई बाहर जा रहा है, या कोई हमें बताने नहीं आया कि हम यहाँ जा रहे हैं। अगर कोई हमें बताता या कुछ करता तो हम बताते ना आपको। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा था कि आपको इस बारे में कुछ पता है? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने डायरेक्टली मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने एफआईआर करी है आपके खिलाफ, क्या आपने गुनगुन को गायब करा? किस बारे में? हमारे कोई सबूत है? हमने कुछ किया? ये सबूत एफआईआर सबूत से थोड़ी थे, अभी उन्होंने लिखवा। तो यही चीज तो कह रही हूँ मैं, तो उनके बोलने से ये थोड़ी ना हो जाता कि हमने गायब कर दिया। चिल्ला क्यों रहे हो मेरे ऊपर? तो आप ही बोल रहे हो बार बार। सोचो ना, हम तो कल पहले उनको बता दिया हमने कि हमने कुछ नहीं किया, फिर आप कह रहे हो। धीरे करो, हद हो गई। बोलती फिर भी ऐसा है, जब वो गई थी ना तो गुनगुन उस कमरे में थी और समर भी उस कमरे में था। ये कमरा बंद था, हम सो रहे थे उस समय। तो आपने देखा हो कहीं? हमने देखा ही नहीं। बता तो रहे, मेरी मम्मी की कमरा बंद था, हम लोग सो रहे थे, हमें नहीं पता। वो मॉर्निंग में गई, हमें कुछ नहीं पता। हमने तो खुद ही बंद कर रखा था जब वो लोग आए, तब उसके बाद उससे थोड़ी देर पहले हमने दरवाजा ओपन किया। जब वो लोग आके डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि गुनगुन नहीं है, आप लोगों को कुछ पता है क्या? ये वो मैं भैया, हमें तो खुद नहीं पता कि कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है, उस कमरे में कौन जा रहा है, कौन उस कमरे से बाहर जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, साफ सीधी बात है, मुझे कुछ नहीं पता। तो आपके हिसाब से किसने करी होगी? हमारे हिसाब से हमें नहीं पता किसने गायब करी। अगर फिर भी आप पूछ रहे हो तो या तो उसका भाई है या समर खुद है, या तो हो सकता है केस तो वैसे ही भारी पड़ रहा था, क्योंकि हाँ होना तो है, ये में हमारे पक्ष में आना, तो वो लोग उन लोगों ने गायब कर दी होगी, बैठा दिया होगा ले जाके। ये भी तो हो सकता है कि आपको फायदा हो रहा था, तो हमारा फायदा है, हमें क्या फायदा होगा? बाद में तो बात यही आएगी, रास्ते में से तो आपकी गुनगुन हट जाती ना फिर। तो वो तो हम कानूनी लड़ाई से भी हटवा लेंगे, हटना तो है ही उसे, हटना तो वैसे भी हट जाएगी वो। आपने कहीं ये सोचा हो कि गुनगुन को रास्ते में से हटा देते हैं, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा? भाई ये काम ना उनके घर के, हमारे पास नहीं है ऐसे काम, हम ऐसे काम नहीं करते। देखो मैं बता दूं, कोई क्रिमिनल यूं नहीं बोलता कि मैं क्रिमिनल हूं या हम। अभी आप उल्टी बात कर रहे हैं, तो ये तो आप उल्टी कर रहे हो, तो वो लोग भी बोल सकते हैं। पता तो नहीं पता, देखो आपके पास प्रूफ है? जब किसी के चीज पे अगर उंगली उठाई जाती है कानून के, तो वो जो कुछ भी बोलेगा आप हमसे पूछने आ जाओगे क्या? किससे पूछने जाऊंगा? नहीं किससे पूछने जाऊंगा? नहीं अगर वो आप अगर देखो बात सुनो मम्मी, आप बात ही मत करो। आपके पास कोई प्रूफ है तो आओ बात करो हमसे। अब तो अगर आपके पास नहीं है तो मत करो आप बात, साफ सीधी बात। अगर एफ आई आर है ना आपके पास तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमारा भी लिख लो, हम नहीं जानते, साफ सीधी बात। इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है ना, फिर करो ना, जिसने भी जो भी आया है ठीक है ठीक है, आप कर लो, हम कब मना कर रहे हैं भाई, आप करो ना, करो आप। आपको नहीं पता कुछ? नहीं नहीं पता, मुझे नहीं पता कुछ, मुझे कोई बता के नहीं गया। मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, बीच में से कोई भी निकल गया इसमें से, हाँ ठीक है निकल जाए तब बात करना। अभी तो नहीं है ना, अभी आपके पास कोई प्रूफ नहीं और हमने ही काम करानी है। मैंने तो उनके हिसाब से मैंने जो लिखना था मैंने लिख लिया, अब आपके हिसाब से मेरे को देखो आपसे कोई मेरी आपसे रंजिश तो है नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आप मुझे वो तो बताओ। सर आप बल्कि उनको ये बोलते कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते, हम तो आपके रास्ते पे चल रहे हैं, आपसे आपको बुला के लाई ना मैं। नहीं आप मेरे घर के थोड़ी हो, मेरे रिश्तेदार थोड़ी हो। तो हम कब कह रहे हैं कि हम आपके रिश्तेदार हैं, या आप हमारी साइड लो या आप उनकी साइड लो, हम बस इतना बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता। हाँ हमें नहीं पता, सिंपल से बोल रहे हैं। हमें जब वो बता के जाती या कोई बात होती तब तो हम आपको बताते ना। लड़ाई हुई इनकी माँ, भाई वो उधर हैं, वो दोनों उधर हैं, वो दोनों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन क्यों गया, आपके हिसाब से किसने करा है? मेरे हिसाब से तो समर ने करा या उसके भाई ने करा है, और क्या पता उसके। और पहली बात तो वो घर, वैसे तो वो घर जाती नहीं है, आज वो घर चली गई, घर जाते जाते गायब भी हो गई। और समर ने भाई वो चीज वैसे तो जाती नहीं है, घर जाने को जब तो भाई ये चीज पूछनी है आप लोग उनसे ही पूछो, कहाँ गई कहाँ नहीं गई, हमें नहीं पता ना, हमें बता के गई है, साफ सीधी बात है, हमें नहीं पता। जो करना है आप उनके घर जाके पूछो, उनके घर वाले से पूछो, घर भाई से पूछो, उसके काम ही उसके घर वालों के ऐसे छुपाने के कभी लाने के, हमें नहीं पता कुछ। नहीं है सीधे लेके हमारे पे इल्जाम, बिना बात के ना देखा ना मतलब, हम क्यों करेंगे ये काम? हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे काम करने की। भाई साहब तुम
कभी वो, कभी गुनगुन, कभी उसका बाप। तो सब क्या हमने कान नहीं का बोला, खिलवाड़ सा बना रखा तुम लोगों ने, हमने सब भाई नहीं बना ये चीज रखा, उनको बोलो ना हमने तुम नहीं लोग, बना रखा हमें कुछ क्यों भी, बोल रहे हो, हमने थोड़ी ना उसे गायब कर दिया, हमने थोड़ी ना बोला हम कि खुद तुम परेशान हो सुबह गए, उठ के 9 बजे उठ के 10 बजे उठ के अपने घर जा, अपने मम्मी पापा के घर जा, ये मैंने थोड़ी ना कहा हमने उसे, बोला था उसको या जाने मुझे के तो लिए, नहीं पता कि वो सुबह उठ के अपने मम्मी पापा के घर ही जाएगी या कहीं हमने बाहर तो ही शक्ल जाएगी। नहीं देखी सुबह और से, प्लस पॉइंट जब वो कहता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसको अकेले क्यों जाने दिया, साथ में जाते फिर, ये तो उनकी गलती ये है, उनकी तुम्हारे गलती है ना, साथ फिर हमें क्यों बोल रहे हो ये चीज, हम पे क्यों बोल रहे अब हो वो फिर, तो देखो उनका दिमाग है, उन्होंने आपके खिलाफ उनका एफआईआर दिमाग तो कुछ लिखवाई नहीं है, होता, और उनका मेरा दिमाग तो काम पता नहीं, नहीं कहाँ से मेरा कहाँ है। काम जो हैगा वो है एफआईआर लिख के इन्वेस्टिगेशन करना, मैं आपको आपसे भी पूछताछ करूंगा, उनसे भी पूछताछ तो सर करूंगा, हमने कुछ नहीं करा, अब और क्या आप बताएं, अब ज्यादा से ज्यादा आप बोलो कि आपने कुछ नहीं करा, वो बोलेंगे कुछ नहीं करा, मैं करूंगा इन्वेस्टिगेशन, हाँ तो पूछताछ भाई, मैं आपसे भी हाँ तो करूंगा, ठीक है, थाने में आपको भी बुलाऊंगा, उनको भी बुलाऊंगा, हाँ तो बुलाओ ना, हमने कब मना कर दिया, आप तो बुलाओ, आखिरकार मुझे जो दोषी मिलेगा उसे सजा मिलेगी, साफ सीधी बात है, वो तो है ही एंड में है, जो यही है हाँ। हमारा काम यही है, जो दोषी है उसे सजा देना, और हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, सर, इन्वेस्टिगेशन जब लेकिन हम आप करेंगे सोचो तो ना, हम ये उल्टे आपके सीधे घर भी इल्जाम हमारे जाएंगे। पे लगवाने का क्या मतलब है, हमने वो काम करा ही नहीं है, देखो जी मैं बताता हूँ, हर बंदा ये कहता है हमने तो कुछ करा ही नहीं है, हमने नहीं करा इसलिए बोल रहे हैं, अब दूसरे का तो पता नहीं ना, हमने ठेका ले रखा, देखो सब यही कहते हैं हमने कुछ नहीं करा, कोई नहीं कहता हमने करा मेरे है को अपनी पता है और भाई, मेरी देखो बेटी की बात पता खत्म, है, आप उसके इतनी भाई सी से जाके बात कि पूछो, हमने नहीं करा, हमने नहीं साफ देखा, सीधी बात है हमें हमें पता, नहीं पता, आपको लग रहा है उसके भाई ने करा, उसके भाई से भी पूछताछ करूंगा वो मैं, आप उनसे आपसे पूछो, मैंने कर ली, उनसे भी मैंने कर ली, जो है शक पे उन सब से मैं बात कर हाँ लूंगा, ठीक है, और मिल ही जाएगी होगी, पर जब मिल जाएगी ना तो पता चल जाएगा मुझे कि बिल्कुल कौन चल है कौन जाएगा, नहीं है, हाँ सही बात है, और जो भी होगा ना ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा उसे मैं, बहुत दिमाग खराब कर रखा है सबने मिल डुल के, पता नहीं क्या खिचड़ी पका रखी सर है। हमने नहीं कर रखा, हमने तो सीधे सीधे से वो करा जो करना था, चलो आप तो उन लोगों से ही पूछो, वो लोग ही बताएंगे आप लोगों को, हमें नहीं पता, हमें कोई बता के नहीं गया ना कुछ करके गया, तो सो में तो पता है नहीं कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, हमें कुछ नहीं पता, देखो जी सब यही बोलते हैं, देखो उन लोगों ने भी आपको कोई यही बोला होगा, बोलता मैंने चोरी करी है, तो मैंने नहीं करी, हो सकता है आप हो, या हो सकता है ये हो, या हो सकता है वो हो, या हो वही सकता है होंगे सर, उनका बाप हो, हम तो नहीं आए, या हो सकता है वही उसका होंगे, भाई हो, मेरे हिसाब वो आप आपके हिसाब से उन्होंने कराया, उनके हिसाब से आपने करा, मेरे हिसाब से सब में से कोई भी उनके कर कहने सकता से है, नहीं होता ना, वो आप जानो सर, मेरे हिसाब से सब में से कोई भी कर सकता सर है, आपने पूछ लिया, हाँ ठीक है, हमने नहीं कराई का, आपके पास सबूत हो तो बात करना, अभी तो हाँ। हमने नहीं किया तो नहीं किया, कोई नहीं, जब मेरे पास सब सीधी सबूत होगा बात है, तब मैं आऊंगा, बिल्कुल और आओ, उसके पास हाँ, हमें कोई वो जिसने दिक्कत करा नहीं होगा है, हाँ ठीक है सर, हद हो गई, हद ही हो गई भाई इसकी तो, मतलब बिल्कुल ही खुद चली गई, ना कुछ बताया ना कुछ, अरे तो तूने जाने क्यों दिया खुद, दोनों उस कमरे में, हमें क्या बता के जा रहे दोनों के दोनों, हमने बोला कि जाने दे, क्यों जाने दिया अकेले, और हमारे पे एग्जाम किस लिए लगा रहा है, देखा है क्या हमारे को, बकवास कर रहे बेफालतू में, ठीक है ना, अब पता चलेगा जब खुद ही दोषी पाएगा, वैसे तो बड़ा कहते हैं अकेली है कहाँ जाएगी अकेली है, तो अब क्यों नहीं गए साथ में, गेम खेल रहा है कुछ नहीं, और कुछ काम नहीं।